Hello guys, welcome to another tutorial. In this tutorial we are going to make this model. As you can see over here, this is my model and this is the dimension. तो इसके अंदर हम ये model बनाने वाले हैं. यहाँ पर मेरे पास इस object का dimension है. मैं एक बार इसको maximize कर देता हूँ so that you can easily take a snapshot of this dimension. So here is my dimension. This is the top view and this section view, this side view, and these are some scale view of this model. So it is not that hard as you might be thinking that it is a difficult model. ये काफ़ी ये difficult model नहीं है. हाँ, थोड़ा सा tricky model है आप कह सकते हैं. थोड़ा सा trick है इसके अंदर. तो जो भी beginners से हैं या थोड़े एडवांस से थोड़ा बिलो हैं, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा मॉडल है. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल यू कैन यूज़ फॉर द प्रैक्टिस. ठीक है, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर भी कुछ डायमेंशन है हमारे पास, यहाँ पर भी कुछ डायमेंशन है. सो मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, मैं पहले इस पॉइंट से शुरुआत करने वाला हूँ. पहले मैं ये सेक्शन बनाता हूँ इसका, और इसको मैं कुछ एक्सट्रूड करूँगा, एक्सट्रूड 52 करूँगा. उसके बाद मैं इसके ऊपर ये वाला पोर्शन बनाऊँगा. ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन बनाने के बाद इसको भी मैं एक्सट्रूड करूँगा. फिलेट करने के बाद बाकी सब ये छोटे छोटे से पार्ट हैं, ये हम बाद में बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट मी सी यू हाउ इट विल लुक लाइक व्हेन इट कम्स इनटू 3D मॉडलिंग. सो इट विल लुक लाइक दिस. नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ साइड व्यू ओवर हियर. एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ अ साइड व्यू एंड दिस इज़ द टॉप व्यू. ओके, एंड वी आर गोइंग टू एज्यूम सम डायमेंशन बिकॉज वी हैव नॉट गिवन सम डायमेंशन इन दिस मॉडल. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दोज डायमेंशंस. सो विदाउट फर्दर वेटिंग लेट्स स्टार्ट दिस मॉडल. सो मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर देखें इसे. सो मैं यहाँ से जाता हूँ, एक न्यू पेज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ. ओके, सो यूनिट शुड बी इन मिलीमीटर एंड मॉडल. नाउ यू कैन सेव इज वेर एवर यू वॉन्ट. नाउ यू कैन रीनेम इट एज यू विश्ड. ओके, सो आई एम गिविंग इट नेम 3D मॉडल. ओके, सो आई एम असाइनिंग समथिंग 3D मॉडल. ओके, सो ओके, प्रेस्ड ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू चूज दिस सेक्शन, एंड यहाँ से मैं ये वाला पोर्शन इसका बनाने वाला हूँ. ओके, और उसके बाद मैं इसको डायमेंशन करूँगा. सो सेलेक्ट यहाँ से. ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ सके मैंने ये कैसे बनाया है. तो यहाँ से मैं ये वाला प्लेन लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ. ठीक है, प्लेन आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी. ओके, मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, और सबसे पहले मैं कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग ऑफ़ कर देता हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको यूजुअली ऑफ ही रखता हूँ. तो इसको मैं पहले जैसा मुझे दिख रहा है मैं वैसा इसको बना देता हूँ. ओके, यहाँ से मैंने कुछ ऐसा इसको बनाया है. अब यहाँ पर मेरे पास कुछ डायमेंशन है. देखिए, ये यहाँ से इस पोर्शन तक 20 है. ओके, और ये 12 है. तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें 6 रखना है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं 107 में से यहाँ तक है उसमें से 20 को लेस कर दूँगा, तो जो बचेगा वो यही आएगा. तो ठीक है, अब मैं इसको लेस कर दूँगा तो इसकी यहाँ तक हाइट आ जाएगी. तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेता हूँ, और मैं बहुत सिंपल तरीके से करूँगा. मैं कुछ एडवांस तरीका नहीं यूज़ करूँगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से करूँगा. हॉरिजॉन्टल लेते हैं ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 107 माइनस यहाँ पे मैंने 20 डाला. ओके, तो 87 यहाँ पर आ गया. ओके, अब यहाँ से चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं. यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट से ये जो टोटल ऊपर का पॉइंट है और बिल्कुल बॉटम तक 132 आता है. ठीक है, 132 टॉप से. तो ये देखिए 12 है, तो ये आधा तो 6 ही हो गया. तो यहाँ से मैं इसका डायमेंशन लूँगा और इस पॉइंट तक 132 में से मैं 6 को लेस कर दूँगा. तो यहाँ से मैं लीनियर डायमेंशन लूँगा, और यहाँ से वर्टिकल ये वाला, और पूरा देखिए नीचे वाला पॉइंट है, ये वाले पर क्लिक करेंगे, और इसको मैं करने वाला 132 माइनस 6. तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी.
चलिए नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिया हुआ है, देखिए 118 का एंगल है। सो एंगल के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ एंगुलर डायमेंशन। सेलेक्ट दीज टू लाइंस फॉर द एंगुलर डायमेंशन एंड प्लेस वेयर एवर यू वॉन्ट बाय क्लिकिंग योर लेफ्ट क्लिक 118, देन प्रेस ओके। ओके, इट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू इट्स लेंथ बिकॉज इट इज़ नॉट गिवन इन द डायमेंशन। सो आई एम नॉट टेकिंग बाय इट सेल्फ, इट इज़ गेटिंग बाय इट सेल्फ वेन एवर आई गिव द डायमेंशन, इट विल एडजस्ट इट्स बाय इट सेल्फ। ओके, सो इट्स टाइम टू प्लेस अ फिलेट ओवर हेयर, दैन द डायमेंशन ऑफ फिलेट इज़ आई गेस दिस 28 रेडियस एंड दिस इज़ ऑल्सो 28 रेडियस। सो वी हैव अ फिलेट ओवर दिस। तो फिलेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 28 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और पहले ये दो लाइन पे क्लिक किया और फिर ये दो लाइन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं मेरे पास फिलेट आ गया है। माई स्केच नीड्स वन कंस्टेंट, सो विच वन इज़ वन कंस्टेंट, आई थिंक आई हैव टू गिव दिस डायमेंशन, इट इज़ 160 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये 160 है। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, सो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। ओके, इसको 160 हम रख लेते हैं यहाँ से। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आएगा क्योंकि ऐसे ये बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए ये 160 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो कर्व है, ये कर्व देख लेते हैं कितना, ये 12 mm का कर्व है, ठीक है। तो 12 mm ये अंदर की तरफ मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ कहीं आएगा। तो 160 में से हम लोग थोड़ा सा लेस कर लेंगे क्योंकि देखिए एग्जैक्ट गिवन है नहीं। सो यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेते हैं और यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ये वाला पॉइंट यहाँ से ये कितना है 160, इसको माइनस कर देते हैं, अप्रॉक्स हम लोग इसमें से लेस कर देते हैं, चलिए 6 ही लेस कर लेते हैं, काफ़ी होगा इतना भी, चलिए 154 के समथिंग ये रहेगा, ठीक है। और माय स्केच इज़ नाउ फुल्ली कंस्टेंट एज यू कैन सी, सो मेरा स्केच कंस्टेंट हो गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऑफसेट कर लेते हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, क्योंकि अब ये जो थिकनेस मैं यहाँ पर देने वाला हूँ ये मैं 6 की हेल्प से दूंगा, तो यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट डालेंगे 6 का और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, अब डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा अप्लाई एंड कैंसिल। बस अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ लाइन एंड जॉइन दीज टू पॉइंट्स। ओके, सेलेक्ट दीज टू लाइन एंड जॉइन द पॉइंट्स। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसे बना रहा हूँ। अगर आपको स्टेप नहीं समझ आया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ एग्जिट होने के बाद। ओके, आई हैव टू एडिट दिस स्केच, डबल क्लिक ओवर इट, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक लाइन और चाहिए, आई थिंक ठीक से बनी नहीं, यहाँ से लाइन लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे मैच कराना है। ओके, बस यही मुझे इसके अंदर करना था और यहाँ से हम इसको फिनिश करते हैं। और देखिए इसको एक्सट्रूड करेंगे हम लोग 52 mm, है ना, तो यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लेंगे और इसको 52 mm कर देता हूँ मैं, इसको तो मैं कर देता हूँ 0 और इसको कर देता हूँ 52 डिवाइड बाय 2 और इसको कर देंगे सिमेट्रिक वैल्यू, हाफ दिस साइड एंड हाफ ऑन द अदर साइड। चलिए इसको चाहे तो आप हाइड कर सकते हैं, है ना, इसको हाइड कर लीजिए। अब दूसरा फेस लेते हैं, ये वाला जो फेस है, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे फेस के ऊपर और ओके। फेस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या काम करूंगा, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट दीज कर्व्स, बिकॉज दीज कर्व्स विल एक्ट एज अ स्केच, सो आई हैव ओनली हैव टू मेक दिस पार्ट। ओके, द रेस्ट पार्ट आई विल प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट कर्व। सो फर्स्ट लेट टेक अ प्रोजेक्ट कर्व, इट विल आस्क यू व्हाट कर्व यू वॉन्ट टू प्रोजेक्ट, सो सेलेक्ट दीज टू लाइन्स, सॉरी 3 lines, आई गेस द एंटायर लाइन्स, अप्लाई एंड कैंसिल। तो अब सारा इसको सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि एक्सेसिव होगा, वी विल ट्रिम दैट पार्ट। चलिए अब यहाँ से फिर लाइन लेते हैं और मैं अगेन इसको ऑफ कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऑन रखना चाहें तो ऑन रख सकते हैं, कुछ मैं
इसके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा आगे तक रख लेता हूँ। अब चलिए इसको डायमेंशन करते हैं। अब देखिए ये वाला जो 12 mm का है, तो ये बचा कुचा होगा, यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेंगे और यहाँ से वर्टिकल पार्ट, ये वाला और बॉटम वाला, ये होगा 12 का। चलिए अब ये देखिए टोटल है 107 यहाँ से यहाँ तक, चाहे तो आप 20 डाल दीजिए चाहे 107 डाल दीजिए, बात एक ही आएगी। ठीक है, मैं यहाँ से और सॉरी हॉरिजॉन्टल लेना होगा आपको, और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ डालेंगे 107। चलिए 107 आ गया है मेरे पास, और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये 20 ही आएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देख लीजिए 20 ही है, और देखिए रेड भी हो रहा है, ये बस मैं आपको चेक करा रहा था। तो अब नेक्स्ट पोर्शन क्या बोलता है कि आप इसको ट्रिम कर दीजिए, एक्सेसिव पोर्शन आपको ट्रिम करना पड़ेगा, तो ये मैंने ट्रिम कर दिया है और इसको क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद अभी देखिए मैं यहाँ फिलेट लगा लेता हूँ अभी हाथों हाथ। फिलेट कितना है देखिए, यहाँ पे 12 रेडियस का फिलेट है, तो आप यहाँ से फिलेट लीजिए, यहाँ पर डालिए 12 की वैल्यू और इन दोनों को आप कर दीजिए सेलेक्ट और इसको ओके, और आप इसको कर दीजिए फिनिश। चलिए फिनिश होने के बाद आपको ये देखिए पूरा ही एक्सट्रूड करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर देंगे और इसको भी हम लोग 52 डाल देते हैं, क्योंकि ये मैंने साइड फेस से बनाया है, और इसको यूनाइट कर देंगे, अप्लाई कैंसिल। ये वाला स्केच अब हम लोग हाइड कर देते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। अब देखिए लास्ट काम जो इसके अंदर है कि फिलेट भी है, तो मैं चाहता हूँ कि 28 का फिलेट भी हम हाथों हाथ कर देते हैं, तो एज ब्लेंड लीजिए और यहाँ पे आपको डालनी होगी 28 वैल्यू, और इस वाले एज पे आप क्लिक कर देना, मिडल माउस बटन को एक बार प्रेस करना और अप्लाई कर देना, आपके पास ये कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ, तो अब इसको एक बार हमें यहाँ से ये राउंड भी करना है, 52 है ना, तो आई थिंक ये हो जाएगा आपका 26, 6, 6, 12, 2, 4, 5, तो 26 का एक बार ब्लेंड कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 26 एंटर, और चलिए एक ये एज सेलेक्ट करते हैं और एक ये सेलेक्ट करते हैं और मिडिल माउस बटन को प्रेस करते हैं और आपके पास ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर कोई भी आपको स्टेप देखिए नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन्स वी अनेबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो इन वंस, सो वी हैव टू सी दैट वीडियो 2-3 times और सेवरल टाइम्स इफ़ रिक्वायर्ड टिल वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, ओके, जब तक हम उसे समझे नहीं तो हमें बार बार वो देखना चाहिए। सो देखिए अब क्या करने वाला हूँ मैं, ये यहाँ पे शेल करने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये कुछ खाली खाली सा आपको दिखेगा, तो ये शेल कितना होगा, देखिए शेल ये 6 ही होगा क्योंकि 6 है, ये 6 है, 6 है, तो 6 की थिकनेस दे देंगे तो ये शेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो शेल लेंगे, वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 6 और इस फेस पर करेंगे क्लिक, तो ये पूरा अपने आप शेल हो जाएगा, ठीक है, यही डिफ़िकल्ट सा पार्ट था जो कि यहाँ पे इजीली हो गया है। चलिए उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, अब इसको है ना नीचे से कट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे ये है 32 mm इसकी हाइट है, ठीक है, उसके बाद ये है 32 ये वाला पोर्शन, तो मैं इसमें देखिए क्या करने वाला हूँ, ये टोटल 52 है तो 52 का हाफ हो जाएगा 26, ठीक है, 26 हो गया, और ये 32 है, 32 का हाफ कितना होगा 16, तो उसको उसमें से लेस करेंगे, तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ चैम्फर, ठीक है, 32 है यहाँ पे, और ये वाला तो 32 ही रहेगा, तो फर्स्ट डिस्टेंस आपकी 32 रहेगी और ये वाला एसिमेट्री रहेगा, डिस्टेंस 8 यानी कि 16 में अगर आप, मैंने क्या बताया था, यहाँ से 52 का आधा 26, ठीक है, 26 में से अगर आप 32 का हाफ करेंगे 16, 16, 32 16 हो जाएगा, और 16 को अगर 26 में से लेस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, एक सेकेंड इसको मैं ज़रा कैलकुलेट करता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर ये है 26 माइनस
16, तो ये आई थिंक 20 ही बचना चाहिए। यहाँ एज पे क्लिक करना है, इसको रिवर्स कर देंगे। ओके, ये आई थिंक 10 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको मिरर भी कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हो। तो ये लगभग ये वाला जो है, ये वाला जो आएगा ये 10 आएगा, और ये 32 हम इसको रखेंगे। ओके, और इसको अप्लाई कर देते हैं। सेम यही प्रोसेस हम इधर भी कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा, तो कुछ ऐसा हमारे पास आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो यहाँ पे है, ये 10 mm। तो यहाँ से इसको ब्लेंड लेंगे और 10 mm यहाँ पर भी डालेंगे, और इस वाली एच के ऊपर क्लिक करना है और इस वाली एच के ऊपर क्लिक करना है, और अप्लाई कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास ये नीचे वाला भी पोर्शन आ जाएगा। जब आपके पास नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, तो अब आपकी बारी आती है यहाँ पर। ये हम बनाते हैं, चलिए ये वाला पोर्शन हम बनाते हैं। ठीक है, ये पोर्शन का डिटेल जो पोर्शन है वो यहाँ पर है। एज यू कैन सी द डिटेल सेक्शन इज़ 2:1 है इसका साइज़। तो इसको हम बनाएंगे, मैं काम करता हूँ, इसको इसी फेस पर बना देता हूँ, ये वाला फेस में बनाता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ से मैं फिर से प्रोजेक्ट कर्व लेने वाला हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ रिवाइंड द वीडियो, सी द वीडियो अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉडल। ओके, सो हो सकता है जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को पॉज कर करके देखें, तब आप समझ पाएंगे। अगर मैं बहुत स्लो बनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। ओके, तो चलिए इसको पहले प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद आपको ये लाइनें प्रोजेक्ट करनी होंगी, हम बाद में इनको ट्रिम कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसका सेंटर है ना, देखो सर्कल का 45 नीचे है। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसी के सेंटर में एक ही सर्कल बनाने वाला हूँ। ये देखिए, ये 3 का गैप है दोनों के बीच में। ओके, दोनों के बीच में 3 का गैप है। अभी बीच का सेंटर कितने का है, ये बीच का सेंटर देखिए 10 डायमीटर का है। ठीक है, ये 10 डायमीटर का इसके बीच का है, ये वाला जो है ये 10 डायमीटर का होल है। तो 10 डायमीटर में मैं 3 और ऐड करूँगा तो 13 डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सर्कल लेंगे, इसके कहीं सेंटर पे बना देता हूँ, और इसको चाहे तो ऑफ़ कर दो, नहीं करो तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके सेंटर से बना देता हूँ, ये लगभग 13 डायमीटर का सर्कल है। ओके, और ओके, उसके बाद देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक मुझे यहाँ पर लाइन चाहिए होगी। ये लाइन मुझे चाहिए और इसको बना दूंगा मैं रेफरेंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये इंटरफेयर करे ड्राइंग में। और देखिए ये रेफरेंस की लाइन मैंने ये वाली बनाई है, देख रहे हो, ये जो सेंटर वाली लाइन है रेफरेंस के लिए बनाई है, ताकि मैं उसको एंगल दे सकूँ। तो यहाँ से चलेंगे और एंगुलर लेंगे ये वाले पोर्शन से, और ये वाली लाइन की जो वैल्यू आएगी 45 रखनी है मुझे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिग्री पर है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब ये हमें दो कर्व बनानी है। ठीक है, ये वाली दो कर्व बनानी है जो कि 38 डिग्री पर है, और इसकी सेंटर से ही मैं इनको 38 डिग्री रखूँगा। ओके, तो ये इसके भी काम आने वाली है। तो यहाँ से ये एक पॉइंट लिया, ये मैंने ऐसा कुछ बना दिया। देखिए ऐसे अगर कहीं लाइन मैच हो रही तो लाइन मैच ना कराएं, बिकॉज़ अगर आप लाइन मैच करा देंगे तो फिर वो डायमेंशन डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको मैच ना कराएं। तो यहाँ से ये मैं डायमेंशन लूँगा इसकी, तो मुझे चलिए मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ। एंगुलर लेता हूँ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और यहाँ पर डाल दिया मैंने 19 आता है आई गेस, 19 आएगा, 38 का हाफ करेंगे। हाँ, और फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको भी हम लोग 19 डाल देंगे। ओके, तो ये 19 19 हो गया दोनों साइड में। और तो कुछ नहीं करना इसमें, बस ट्रिम ही कर देते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम लोग ट्रिम कर देते हैं, और ये वाली लाइन भी मुझे ट्रिम करनी है, ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है, ये भी ट्रिम करनी है, ये भी ट्रिम, ये भी ट्रिम करना है। ओके, और इसको क्लोज़ करेंगे।
दोनों 19 है। एक बार एंगुलर लेके मैं इन दोनों को डायमेंशन देखता हूँ, 38 ठीक है, बिल्कुल सही है। अंडू, चलिए ये तो कंस्ट्रेंट हो गया है ना, और इसको आप ऑटो कंस्ट्रेंट ऑन रख के ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बाकी सब लाइनों की कंस्ट्रेंट ये खुद ही कर देगा। अब ये अंदर से सर्कल भी ट्रिम कर देते हैं और क्लोज। देखिए मेरी ज्योमेट्री एकदम से, यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हाँ चलिए, स्केच यहाँ पे दिखने लगेगा आपको, फुल्ली कंस्ट्रेंट भी डेट ऑटो डायमेंशन। यहाँ पे कुछ डायमेंशन ऐसी हैं जो अपने आप हुई हैं ऑटो डायमेंशनिंग की ऐप से, ये हो गई हैं। तो यहाँ से बाकी जो हमारे पास गिवन थी वो तो हमने सारी यहाँ पर डाल दी, और इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा एक्स डायरेक्शन में, देख रहे हो एक्स डायरेक्शन पड़ रहा है मेरे यहाँ से, तो एक्स डायरेक्शन में मैं इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ। सेलेक्ट करेंगे, रिवर्स करेंगे और इसको कर देंगे अप टू नेक्स्ट, और यहाँ से इसको यूनाइट करना है आपको, और अप्लाई एंड कैंसिल। यूनाइट करने के बाद आपको ये हाइड कर देना है यहाँ से, ठीक है, हाइड हो गया। अब चलिए, अब इसको कट करने का समय आ गया है, और बाद में होल कर देंगे, पहले इसको कट कर देते हैं। स्केच लेते हैं, स्केच लेने बाद ये जो ऊपर वाला फेस है ना, इसके ऊपर क्लिक स्केच कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, ये थोड़ा सा मुझे कट करना है, जैसे ये वाला सेक्शन है ना, मेरे को कट करना है यहाँ से। तो इस सेक्शन का देखिए प्रॉपर डायमेंशन तो नहीं है, बस ये ऊपर से 20 mm है, और नीचे से है ये हमारे पास यहाँ से, सॉरी ये ना सामने से जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये इसके टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है। इसको अगर आप सामने से देखोगे ये वाला पोर्शन, तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, यहाँ पे 3 radius है, और टॉप पे से ये आपको कर्व दिख रहा है, ये वाला व्यू है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ईजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑटो डायमेंशनिंग आप ऑन ही रहने देना, और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना देना। रेक्टेंगल आप बनाएंगे तो आपके पास कुछ डायमेंशंस आएंगी, ठीक है। अब चलिए इसके पास आते हैं, ये 45 है टॉप से, तो यहाँ से टॉप से मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गई है, तो मैं इसको 45 कर देता हूँ डबल क्लिक करके। यहाँ इस केस में आप ऑटो डायमेंशनिंग ऑन ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 21 है, तो ये मेरे को डबल क्लिक करना है, इसको कर देना है 20, ठीक है। 20 का हाफ हो जाएगा तो 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा। चलिए अब बात आती है ये कितनी लंबाई में रखनी है, तो इसको आप डबल क्लिक कर देंगे और इसको 58 के अराउंड आप रहने दीजिए, क्योंकि एक्सेसिव पोर्शन तो ये कटना है ही नीचे, तो इसको आप इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप यहाँ पर भी फिलेट कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो, तो चलिए बाद में ही फिलेट कर देंगे, इसको पहले फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद इसको देखिए डेप्थ में कितना काटना है, डेप्थ में 60 mm काटना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन में। सो फर्स्ट सेलेक्ट जेड डायरेक्शन फ्रॉम दिस पोर्शन डायरेक्शन एंड नाउ फीड वैल्यू 60 एंड इट्स टाइम टू सेलेक्ट द कर्व, दिस इज़ माई कर्व विच आई वॉन्टेड टू एक्सट्रूड, दैन चेंज द डायरेक्शन, इट शुड नॉट बी यूनाइट, इट शुड बी सब्ट्रैक्ट, एंड देन क्लिक ओके। नाउ यू विल गेट द डिज़ायर्ड सेक्शन कट। इसको मैं हाइड कर देता हूँ राइट क्लिक करके, ठीक है। और जो नेक्स्ट काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, देखिए राउंड है ना ऊपर से, तो मेरे यहाँ पे राउंड नहीं है, तो इस राउंड के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। राउंड करने के लिए मैं यहाँ से एज ब्लेंड लूँगा, एज ब्लेंड लेने के बाद 10 यहाँ पे आप डालेंगे, एक ये वाली एज आप सेलेक्ट करेंगे और एक ये वाली एज, छोटी सी एज आप सेलेक्ट करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से राउंड हो जाएगा। अब ऐसे ही नीचे की तरफ से भी कर लेना है, एज ब्लेंड लेंगे, एज ब्लेंड लेने के बाद देखिए नीचे कितना है आपके पास, नीचे देखिए 3 3 के हैं, तो यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे 3 3 डालने के बाद अब हमें ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, 3 और एक ये सेलेक्ट करना है 3, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देंगे और क्लोज कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से बनने के बाद अब देखिए क्या करना है, अब इसके अंदर देखिए 10 डायमीटर का एक होल है जो कि थ्रू आउट कटा हुआ है, देख रहे हैं आप ये होल, ये वाला जो होल आप देख रहे हैं ये आउट कटा हुआ है पूरा, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जी ये वाला एक होल कर देता हूँ जो कि है 10 डायमीटर का थ्रू आउट कटा हुआ है, तो सिंपल है यहाँ से होल आप ले लीजिए, सॉरी फिनिश,
यहाँ से होल ले लीजिए, 10 डायमीटर आपको डालना है। नाउ इट इज़ आस्किंग टू यू स्पेसिफाई द पोजीशन, सो फर्स्ट स्पेसिफाई द पोजीशन। जैसे आप कर्सर यहाँ लाओगे ना तो आपको सेंटर पॉइंट दिखाएगा, और इसको थ्रू द आउट बॉडी कर देना और इसको सब्ट्रैक्ट रख लेना, तो ये इसको कट कर देगा, ठीक है। या बिगिनर्स ऐसा भी कर सकते हैं, इसके सेंटर में एक होल स्केच कर सकते हो, ठीक है, 10 डायमीटर का, और उसको एक्सट्रूड कर सकते हो थ्रू आउट और उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलिए जो इसका ये पोर्शन है ये भी बना लेते हैं। तो इसके लिए अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, मिड मैं यहाँ से मिड प्लेन सेलेक्ट करने वाला हूँ, ये वाला मिड पॉइंट जो मैंने लिया था ना, मिड प्लेन ये ले लेता हूँ, स्केच लेता हूँ और इस पर क्लिक कर लेता हूँ और अप्लाई। तुम्हारा ये मैंने लिया प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कर नीचे से करा देते हैं इसको, है ना। चलिए अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितनी लंबी लाइन होनी चाहिए, देखिए 6 तो ये है, 12 ये है, और प्लस ये जो फिलेट है इसके लिए भी हमें एक लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये भी 12 का है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 12 ही है, ठीक है। क्योंकि आप इसको फ्लेट ना मान के अगर एज मानेंगे तो ये भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये और कम हो जाएगा। तो ये 12 12 24 25 26 27 28 29 30, तो लगभग ये 30 mm की लाइन बनेगी। सो मैं इसको डाल देता हूँ 30 mm यहाँ पर, एक सेकंड अंडू करता हूँ। यहाँ से हम लोग लाइन लेंगे इस पॉइंट से और ड्रॉ करेंगे 30, और इसको 118 डायमीटर ही रहने देंगे, ठीक है, सॉरी 118 डिग्री ही रहने देंगे, और इसको थोड़ा सा हम लोग टेपर रखेंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पर मैं फिलेट लेता हूँ, फिलेट कितना लेना है मेरे को, 12 का, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, फ्लेट आ गया मेरे पास 12 का, ठीक है। इसके सेंटर में एक सर्कल भी है जो कि 10 डायमीटर का सर्कल है, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 डायमीटर का एक सर्कल भी आ जाएगा। अब देखिए ये एंगल है 9 डिग्री का, तो एंगल कैसे लेते हैं, एंगुलर लेंगे एंगुलर डायमेंशन से, और ये 9 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, 9 डिग्री का है, और ये थोड़ा है ना आगे तक जाके मैच होना चाहिए, क्योंकि ये हम इसके अंदर की तरफ बन रहा है, देख रहे हैं जो अंदर वाली लाइन हाईलाइट हो रही है ना, ये इसके अंदर बन रहा है, जिस पे मैंने कर्सर रोका हुआ है उससे जो अंदर वाली लाइन आ रही है रेड वाली, ये वहाँ पे जाके मैच हो रहा है। तो इसको मैं मैच कैसे करा सकता हूँ, एक्सटेंड लेते हैं अगर काम हो जाए तो, देखिए जुड़ गया वो जाके, एक्सटेंड हो गया, और अब इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे, और ये ट्रिम हो गया और क्लोज़। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अंदर वाले फेस पर बन रहा है, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं बाहर नहीं, ये अंदर के पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया और इसको करेंगे फिनिश। ये भी 6 mm का ही एक्सट्रूड है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 6 mm ही है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्शन होगी हमारे पास एक्स, मैं यहाँ से एक्स डायरेक्शन में लूँगा क्योंकि एक्स आ रहा है इधर की डायरेक्शन में, ओके एक्स आ गया। तो ये 6 mm है, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 3, या आप 6 डाल दीजिए, और वैल्यू में जाके आप लोग ले लीजिए सिमेट्री वैल्यू, सॉरी 6 नहीं, आपको यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली सिमेट्री है, सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए यूनाइट, और इसको आप अप्लाई और इसको आप कैंसिल करेंगे। ये जो स्केच है मैं इसको हाइड कर देता हूँ, तो आप देख पाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए एक लास्ट होल रह गया है इसके ऊपर जो कि 10 डायमीटर का है। इस होल को मैं अपने पिछले मॉडल में बनाना भूल गया था, तो मैं उसमें भी ज़रा अपडेट कर दूंगा। तो ये भी बनाना है 10 डायमीटर का है, तो बस यहाँ से होल उठा लीजिए, जैसे ही आप होल लेंगे 10 डायमीटर, यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर नहीं आ रहा, होल लेते हैं, इसको नीचे की तरफ से देखते हैं कहाँ पे आ रहा है सेंटर पॉइंट, यहाँ आ रहा है, ठीक है, और ये थ्रू आउट द बॉडी और ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए और कैंसिल, तो आपके पास ये होल भी आ जाएगा।
तो गाइस ये था मेरा ट्यूटोरियल इस मॉडल के ऊपर, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, लेकिन अगर प्रैक्टिस के लिए अगर आप देखेंगे, जो बिगिनर्स हैं प्रैक्टिस के लिए देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा मॉडल है। ठीक है, और चलिए इसको कलर कर देते हैं, जैसा इसमें कलर दिखाई दे रहा है वैसे ही कलर हम इसको कर देते हैं। तो मैं इसको कलर कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के अब सारा सेलेक्ट कर लें। फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे हम लोग असाइन फीचर कलर, और कुछ यहाँ से कलर लेंगे हम लोग। ओके, अप्लाई एंड कैंसिल। यहाँ से शेडिंग को कर देते हैं हम शेडेड, और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कर देते हैं ट्रू शेडिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बना है। ठीक है, अगर एजेस देखना चाहते हैं तो आप एजेस ऑन कर दीजिए, तो उसमें आपको एजेस दिखाई देंगी। तो आई होप गाइस आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इसी के ऊपर हम काफ़ी सारी वीडियोस डालते रहते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कैटिया, सॉल्ड वर्क्स, एनसेस, ऑटोकैड सबकी वीडियो आपको मिल जाएंगी डिटेल्ड। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल था हमारे इस मॉडल के ऊपर, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा था पर ऐसा है नहीं। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी डायमेंशनिंग के लिए खुद, अगर आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो एडवांस हैं वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अभी बिगिनर्स हैं, जो इंटरमीडिएट है, उनके लिए ये मॉडल था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं इसको एक बार थोड़ा जूम कर देता हूँ, और हाँ, जो भी जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एनएक्स के ऊपर, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि चैनल के स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।